Yes, before I go with the ledger posting, I just want to remind you your accounting cycle. The day we started our bookkeeping or accounting or accountancy, from the very first chapter, I was telling you that we have an accounting cycle. Accounting cycle always gets started, or definition maybe it is a process of identifying the business transaction. ठीक है, जो business transactions है पहले उन्हें identify करो, फिर उसे लिख के record करो. जब लिख के रिकॉर्ड करते थे तो वो चैप्टर हम कर चुके हैं जर्नल. व्हेन वी वर रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द रिटन फॉर्म वी वर कॉलिंग इट जर्नल एंड दैट वाज माय सेकंड स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल व्हिच वी वर कॉलिंग रिकॉर्डिंग. नाउ वी हैव अराइव्ड एट द थर्ड स्टेप दैट इज क्लासिफाइंग अंडर व्हिच वी विल डूइंग लेजर पोस्टिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफाइंग? ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर नेचर आइटम्स एट अ वन प्लेस. हर महीने में रेंट पे करती हूँ. जनवरी का रेंट मैंने पेज नंबर 2 पे लिखा है, फरवरी का रेंट मैंने पेज नंबर 6 पे लिखा है एक रजिस्टर के. ठीक है, मार्च का रेंट मैंने पेज नंबर 11 पे लिखा है. तो एवरी टाइम आई नीड टू टर्न द पेजेस. व्हाई नॉट टू अलॉट अ सिंगल पेज टू द रेंट. रेंट को एक पेज दे दो ना, और उसी पेज के ऊपर पूरे 12 महीने का रेंट लिखो, सो दैट विद अ सिंगल विजन यू कैन काउंट टू नो पूरे साल में रेंट कितना हुआ, और साल के एंड में उस सारे रेंट का टोटल कर लो, आपको पता चल जाएगा रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर. जनवरी की एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी पेज नंबर 3 पे लिखा, फरवरी की पे करी पेज नंबर 5 पे लिखा, मार्च की करी तो पेज नंबर 12 पे लिख दिया. ठीक है, अप्रैल की करी तो पेज नंबर 15 पे लिख दिया. यू नीड टू टर्न द पेजेस एवरी टाइम. व्हाई नॉट टू अलॉट अ पेज नंबर 2 फुल फ्लेज्ड, और पेज नंबर 2 और 3 जो आपका पिन पेज होता है टू सैलरी ओन. इट मींस की सिमिलर नेचर्ड आइटम्स आर टू बी रिटर्न एट अ वन प्लेस एंड व्हेन वी ग्रुप those items and we give it a place, same place, we can have a convenience, we can have an easiness and we will be able to get the total with a single instance. मतलब एक निगाह मारने पे ही मेरे को उस आइटम्स का सबका टोटल करके मेरे पास एक आइडिया हो जाता है कि साल में कितनी अमाउंट मेरी सैलरी पे लगी, साल में कितनी अमाउंट मेरी रेंट पे लगी, सिमिलरली ऑफिस एक्सपेंसेस, सिमिलरली मशीनरी. सो हेयर वी विल बी प्रिपेयरिंग डिफरेंट और सेपरेट लेजर अकाउंट. पहली बार हम वर्ड यूज करेंगे अकाउंट, अदरवाइज एंट्री में मैं हमेशा आपको लिखवाती थी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड. हम इनके साथ अकाउंट वर्ड लिखते थे, हर वर्ड के साथ अकाउंट लिखते थे ना. ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड. ठीक है, अकाउंट वर्ड हम सबके साथ लिखते थे. सो नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल बी प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट. अदरवाइज मार्केट में बने बनाए लेजर रजिस्टर्स आते हैं, वहां पे फॉर्मेट बने बनाए प्रिंटेड होते हैं. तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो लेजर अकाउंट मार्केट से बना बनाया खरीद लेते हैं. बट एज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड वी आर द बिगिनर्स इन अकाउंटेंसी, वी शुड लर्न हाउ टू प्रिपेयर इट विद आवर ओन हैंड. और एडवांसमेंट की बात करें तो द पीपल नाउ अडेज गेट द सॉफ्टवेयर प्रिपेयर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. तो वहां पे विद द क्लिक ऑफ द माउस और की बटन्स यू कैन हैव द लेजर फॉर्मेट ऑन योर स्क्रीन और इंस्टेंटली आप उसमें फीड करते हो. मींस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में हैं, लेकिन जब तक आपको पहले हैंड से बनाना नहीं आएगा, हाउ कैन यू गेट एन आइडिया कि उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है. सो दिस इज अ टाइम वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द लेजर अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड. बुक में जो थ्योरी लिखी है दैट वी विल रेफर आफ्टरवर्ड्स. फर्स्टली वी विल बी कंसिडरिंग ऑल द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि जब हमें रिवर्स ऑर्डर करना हमेशा इजी रहता है. अगर आपको न्यूमेरिकल्स की टर्मिनोलॉजी समझ आ गई फिर थ्योरी समझना बहुत आसान होगा. अगर मैं थ्योरी में बताऊंगी तो मेरे को डबल एफर्ट करना पड़ेगा और आपको 3 या 4 गुना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा समझने में. बेटर टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल्स यू विल बी हैविंग एन आइडिया अबाउट द टर्मिनोलॉजी, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द थ्योरी. राइट, इतना पता चल गया सेकंड स्टेप रिकॉर्डिंग के बाद. थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल हमारा क्या होता है? क्लासिफाइंग. How we are going to classify means अगर entries में 15 account use हुए हैं, 15 गिनवा देती हूँ, like land and building account है, like interest paid account है, discount allowed account है, purchases account है, sales account है, rent account है, salary account है, commission account है, rent outstanding account है, capital account है, cash account है, bank account है, यहाँ तक 12 हो गए. तो 12 के 12 different ledger account बनेंगे. ठीक है, पेपर में सब्जेक्टिव आना नहीं, आपको लेजर अकाउंट की प्रिपरेशन थोड़ी ना आनी है. हाउ इट इज टू बी बैलेंस्ड, एंड में आके इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाली जाती है, टोटल किया जाता है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. ठीक है, सो एज वी वर हैविंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल इन आवर सिलेबस,
Similarly, we have a format of ledger in our syllabus. We will be discussing each and every column of that ledger. Let's start with. Everybody will pay attention over the board. Nobody will see the book now. ठीक है, अभी बुक में से कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ बोर्ड को देखना है. सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा मैं ये मान के चलती हूं कि कैश अकाउंट होता है. मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में या तो कैश आता है या जाता है. ठीक है, सो आई एम फर्स्टली गोइंग टू प्रिपेयर हियर कैश अकाउंट. जिन बच्चों को जर्नल आता है उसे ही लेजर समझ आना, क्योंकि नाउ द टाइम आर एंट्रीज विल रन इनटू आवर माइंड एंड वी विल बी पोस्टिंग इट हियर. एंट्रीज मेरे माइंड में चलेंगी और उसकी पोस्टिंग इस अकाउंट में होगी. ठीक है, कैसे करेंगे वी विल सी. पहले फॉर्मेट देखो. अगर किसी को एंट्रीज नहीं आती उसे लेजर का चैप्टर भी समझ नहीं आना. प्लस वन का सारा अकाउंट्स चेन में चलता है. अगर चेन का कोई भी ब्लॉक उखड़ा हुआ है, मींस कोई भी ब्रेकेज है बीच में, आपको एक चैप्टर नहीं आता तो अगले वाला समझ नहीं आना. पिछला चैप्टर आता होना जरूरी है, तभी अगला समझ आएगा. राइट, तो जैसे जर्नल में पहला कॉलम डेट का होता था, यहाँ पे भी डेट का होगा. पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी डेबिट और राइट हैंड साइड होगी क्रेडिट. सेंटर में मैं एक लाइन लगाऊंगी विच विल बी डिवाइडिंग दिस अकाउंट इनटू टू पार्ट्स. वन विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड एंड अनदर विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट. राइट, टू साइड्स वी विल बी मेकिंग. वन इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज व्हाट राइट हैंड साइड. फर्स्टली आई विल बी मेकिंग ऑल द कॉलम्स ऑफ माय लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डे. सेकेंड कॉलम विच इज बिग एनफ वी कॉल इट पर्टिकुलर्स. जर्नल में भी ऐसा ही होता था पर्टिकुलर्स. वहां पे अगर आपको याद हो तो एक नैरो सा कॉलम में लेजर फोलियो बनाती थी, वो लेजर इसी का था. ठीक है, यहाँ पे मैं जीएफ मतलब जर्नल फोलियो बना. अगर जर्नल एंट्रीज करते हुए मैं ये लिखती थी कि कौन से पेज नंबर पे, लेजर के कौन से पेज नंबर पे ये अकाउंट बना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जर्नल के कौन से पेज नंबर के ऊपर ये वाले अकाउंट की एंट्री हुई. तो जर्नल का भी एक रजिस्टर होता है, वो भी प्रिंटेड मार्केट में मिलता है. ठीक है, लेकिन अगर आप विद हैंड बनाते हैं तो आप अपने उस रजिस्टर को पेज नंबर देंगे, मींस उसकी नंबरिंग करेंगे. ठीक है, तो जर्नल के कौन से पेज नंबर के ऊपर ये अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो लिखेंगे. आमतौर पे ये नैरो कॉलम वहां पे भी ब्लैंक रहता था, यहाँ पे भी ब्लैंक रहता. ठीक है, देन लास्ट कॉलम ऑन डेबिट साइड वी विल हैव अमाउंट. नाउ सेम फोर कॉलम्स आई विल बी रिपीटिंग ऑन द राइट हैंड साइड. सो हियर ऑल्सो इट विल बी डेट. ठीक है जी, then I will be having particulars, then it is journal folio and this will be your amount. See the column students, these are the columns, right? So this is date, particulars on your left hand side. When I talk about right hand side, again I have date here, I have particulars here, then I have GF means journal folio, folio means page number and this is what amount. ठीक है जी, कॉलम के बारे में कोई कंफ्यूजन है? किसी एक कॉलम के बारे में कुछ ना पता चला हो, यू मे आस्क. मैंने बोला आई एम प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट ओवर हियर. ठीक है, सबसे पहली एंट्री कुछ भी बोलो, सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है बंदा कैश लेके आता है. बिजनेस में एंट्री होती है, एंट्री विल रन इन टू माई माइंड. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. कैश का मैं अकाउंट बना रही हूँ, कैश एंट्री में डेबिट हुआ है. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. एंट्री में जो मैं अकाउंट बना रही हूँ वो एंट्री में अगर डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग डेबिट साइड पे आएगी, अगर वो एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे आएगी. तो पहली एंट्री आप सबने बोली कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. एंट्री में कैश क्या है? डेबिट. पोस्टिंग डेबिट साइड पे आएगी, नाम दूसरे अकाउंट का लिखा जाएगा विद प्रीफिक्स कैपिटल. एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल हो गई कंप्लीट एंट्री. मैं कौन सा अकाउंट बना रही हूँ? कैश एंट्री में क्या हुआ है? पोस्टिंग कौन से साइड पे आई? नाम कौन से अकाउंट का लिखा? जो अकाउंट बना रहे हो उसका नाम कभी उसके अकाउंट में नहीं होगा. किसका नाम होगा? दूसरे अकाउंट का होगा. दिस इज अ रूल. फॉर एग्जाम्पल इट हैपेंड ऑन 1st January एंड फॉर एग्जाम्पल ही ब्रॉट 1 lakh. मिस्टर अमित स्टार्टेड बिजनेस एंड ही ब्रॉट 1 lakh कैपिटल इन टू द बिजनेस. डन. अगली एंट्री, गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000 ऑन कैश. गुड्स परचेज विद ₹20,000 ऑन कैश. और भी बोलो एंट्री. गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000 ऑन कैश. यस, जर्नल एंट्री. मैंने आपने एंट्री बोलनी है, मैंने पोस्टिंग थोड़ी ना पूछी. आपने तो कर ली हुई पोस्टिंग, मैंने तो बताया नहीं अभी कि इधर टू आता उधर बाय आता.
जर्नल एंट्री आई वॉन्ट टू आस्क परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब की बार इस एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है टू कैश, इट मीन्स की पोस्टिंग इस साइड पे आनी है और नाम दूसरे अकाउंट का आना है परचेसेस। अब डेबिट साइड की आइटम क्रेडिट साइड की आइटम से डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे भी एक प्रीफिक्स लगाते हैं और उस प्रीफिक्स को बाय कहते हैं। अगर डेबिट की सारी आइटम्स के साथ टू लगना है तो क्रेडिट की सारी आइटम्स के साथ बाय लगना है। दिस इज अ रूल, इसके बारे में कोई लॉजिक नहीं है, बस वी वॉन्ट टू डिफरेंशिएट द आइटम्स ऑफ डेबिट साइड फ्रॉम द आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड। सो वी मेड अ रूल कि डेबिट साइड की सारी आइटम्स के साथ टू लगा देना और क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स के साथ बाय लगा, ठीक है, दैट इज 20,000। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट रुपीज 70,000, एंट्री बोलो मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट रुपीज 70,000। क्रेडिट पे खरीदा टू डेटर्स, ये वो एंट्री है जो कैश अकाउंट में नहीं आनी क्योंकि ना कैश आया ना गया। So there can be such an entries which are not to be posted in the cash account. Cash account का रूल क्या हुआ, जब कैश आता है तो डेबिट साइड पे है, जब कैश जाता है तो क्रेडिट साइड पे है। रियल अकाउंट का रूल भी लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों एंट्रीज का यही तो रूल लगा। रेंट पेड, हर्षिका एंट्री बोलो, रेंट पेड रुपीज 1,000, बिल्कुल ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, फिर से एंट्री में रेंट क्या हुआ डेबिट और कैश क्या हुआ क्रेडिट। मैं बना कौन सा अकाउंट रही हूँ, कैश का, ठीक है। जब मैं कैश का अकाउंट बना रही हूँ तो कैश की क्रेडिट साइड पे आएगा लेकिन नाम दूसरे अकाउंट का होगा, दैट इज बाय रेंट एंड द रुपीज 1,000 आई पेड एज रेंट। एनी डाउट टू एनीवन? ओके, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, कॉस्टिंग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, कुछ नहीं कहा तो क्या होता है, मैं क्यों बताऊं, फिर बोलो आप। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000, बोलो जी। ओके, कुछ रह गया और? हाँ, मेरे को नहीं पता, आपने बोलो। अभी तक मेरे बच्चों को ये नहीं समझ आया कि गुड्स जब सेल होती हैं तो उसका प्रॉफिट कभी एंट्री में नहीं दिखाया जाता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स इज नेवर टू बी शोन इन द जर्नल एंट्री, आप मेरे को अमाउंट बोलो। हाँ ओके, अमाउंट, हाँ हाँ, जितने की सेल हुई सेलिंग प्राइस से एंट्री आनी है। 2,000 का प्रॉफिट अपने आप में जब पी एंड एल अकाउंट साल के एंड में बनाएंगे तो आ जाएगा। 10,000 का सामान गया 12,000 में बिका, प्रॉफिट ऑफ सेल इज नेवर टू बी शोन इन द जर्नल एंट्री, बट वी वर शोइंग इट इन आवर अकाउंटिंग इक्वेशन व्हेन वी वर एडिंग द प्रॉफिट टू द कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में 2,000 क्या करते थे, कैपिटल में एड किया करते थे, स्टॉक 10,000 से कम करते थे, ठीक है, और कैश को 12,000 से बढ़ाया करते थे, वो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात थी। जर्नल एंट्री में कहीं पे भी सेल का प्रॉफिट एंट्री में शो नहीं होता, माइंड इट। तो आप ये सोचने बैठ गए थे कि जो 2,000 का डिफरेंस है उसको भी कहीं एंट्री में मैं दिखाऊं, वी आर नॉट शोइंग इट सेपरेटली, ठीक है। सो एंट्री क्या बनी, क्या एंट्री बोली इसने, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल, एंट्री में कैश क्या हुआ है, पोस्टिंग कौन सी साइड पे आएगी, पोस्टिंग का मतलब रिकॉर्डिंग इन द लेजर, I will be using a word posting again and again. Cash क्या हुआ है debit. Account कौन सा आएगा, दूसरे वाला, two sales ना, कितने का सामान बिका 12,000। अब कोई entries आप बोलो cash से related, फटाफट, मेरी जो mind में थी मैंने बोल दी, cash से related कोई entry बोलो। Any entry whereby cash is involved means cash is coming or going out. मैंने, हाँ बोलो, buy furniture of 10,000, buy मतलब bought, ठीक है, bought का मतलब purchase. फर्नीचर मैंने खरीदा 10,000 का, एंट्री बोलो आपा, नहीं एंट्री बोलो फर्नीचर परचेज की, पोस्टिंग फिर मैं करवाती हूँ। फर्नीचर परचेज ऑफ रुपीज 10,000 जर्नल एंट्री बोलो। वाओ, फर्नीचर की परचेज को कभी परचेज नहीं लिखते बिकॉज इट इज माय एसेट, एसेट का नाम लिखते। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, उसने बोला कैश में खरीदा और वैसे भी मैं कैश का अकाउंट बना रही हूँ, कैश की तो एंट्रीज पूछ रही हूँ, कुणाल ऐसे नहीं, बी कॉन्फिडेंट वेन यू स्पीक। तीसरी बार जाके अगर एंट्री ठीक हो रही है इट मीन्स की गलत है, वहां पे तो क्रॉस है, आप तो गलत लिख कर आओगे एमसीक्यू। मैं एक एमसीक्यू लिखूंगी फर्नीचर परचेज, एक मैं लिखूंगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरा मैं लिखूंगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, आप दोनों में से कोई और टिक कर, एक टिक कराओगे जबकि दोनों ही गलत। सही एंट्री क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश।
एंट्री में कैश क्या हुआ? क्रेडिट। पोस्टिंग कौन सी साइड पे बनती है? नाम किसका आएगा? दूसरे अकाउंट का, और साथ में बाय के साथ हम ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करेंगे। एंड मधुसूदन टोल्ड इट इज ऑफ 10,000। नाउ कुनाल्स टर्न, एनी एंट्री रिलेटेड विद कैश, जिसमें कैश आया या गया? हाँ, कमीशन रिसीव, जर्नल एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री बोलो, कमीशन रिसीव अमाउंट मान लेते हैं 500, ठीक है, बोलो जर्नल एंट्री। बिल्कुल ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव, कैश आया, वैसे भी कैश का आना इधर आना है और कैश का जाना इधर आना है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ऐसे याद कर लो। और कैश एंट्री में क्या हुआ? डेबिट, डेबिट साइड पे पोस्टिंग होनी है, टू कमीशन रिसीव, नाम दूसरे अकाउंट का आना, ठीक है जी। चलो दीपक, एक एंट्री आप बोलो, फिर इसको बैलेंस करते हैं, मींस क्लोज करते हैं। गुड, सोल्ड हो चुका। इनके अलावा लेट हिम थिंक, बोलो दोबारा बोलो, रेंट रिसीव, जर्नल एंट्री बोलो। हाँ, इफ वी पे रेंट वी कैन रिसीव द रेंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव, 5500 कर लेती हूँ, मेरा राउंड ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जी अगला स्टेप लेजर पोस्टिंग में क्या है? मैंने मान के चली कि 7 एंट्रीज ही है कैश से रिलेटेड, ठीक है, मैंने 7 की 7 एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया, मींस पोस्ट कर लिया। जो एंट्री डेबिट में आनी थी मैंने डेबिट में लिख दी, जो क्रेडिट में आनी थी मैंने क्रेडिट में लिख दी। नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी नीड टू बैलेंस इट। बैलेंस का मतलब है इसकी दोनों साइड्स का टोटल पता करना। बच्चों सिंगल विजन से पता चल जाता है कौन सी साइड बड़ी है। सबसे पहले जो साइड ग्रेटर है उसका टोटल करो और दूसरी साइड का टोटल भी उसके बराबर लिख दो, ये रूल है, दिस इज अ स्टेप। You have to see which side's total is greater than other. इस साइड में 1,00,000 है, मेरे को लगता है यही साइड का टोटल बड़ा आने वाला है। 1,12,000, 12 और 6, 18, 1,18,000। जो बड़ी साइड है उसके बराबर टोटल शॉर्टर साइड का भी लिख दो, बिल्कुल पैरेलल चलेगा, ठीक है। इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन लगाओ और जैसे छोटे क्लासेस में सम करते थे एडिशन के तो डबल लाइन लगा के टोटल किया करते थे, याद है ना, ऐसे 12, 14, 15 प्लस का साइन, फिर ऐसे, ठीक है ना। तो सेम वी आर फॉलोइंग हियर, डबल लाइन वी आर ड्रॉइंग, राइट। अब इसका टोटल मैंने बोला सेम लगा दू, मैं चाहती हूं इस साइड का टोटल भी सेम हो जाए, वो कैसे होगा देखना जरा। 20 और 1, 21, 21 और 10, 31। इस साइड का अपना टोटल 31 है, मैं चाहती हूं उसका टोटल 1,18 हो जाए। 1,18 कैसे होगा? जब 1,18 में से इसका ओरिजिनल टोटल माइनस कर दिया जाएगा और एक अमाउंट आएगी मेरे पास, उस अमाउंट को मैं बैलेंसिंग फिगर बोलूं, ठीक है। एंड दैट कम्स टू मी 0,0, दिस इज 7, दिस इज 8, 87। इट मींस कि अगर इस साइड पे 87,000 और लिख दिया जाता तो इस साइड का टोटल सेम हो जाता एज ऑफ माय डेबिट साइड, और इसको मैं बोला करूंगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, व्हिच वी कॉल क्लोजिंग बैलेंस, सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर कैरिड डाउन, ठीक है। और साथ में हम एक वर्ड लिखा करेंगे, BF means balancing figure, और we will be putting a star means this amount we calculated on our own. ये question में कहीं given नहीं थी। और simple सी बात है, January month का सारा record है, एक month का बनाते हैं ledger आमतौर पे। January 1st से बात शुरू हुई थी, 31 January को cash in hand आपका 87 है। आप अपना एक मिनट, आप अपना कैश बुक चेक कर लेना, 87,000 ही कैश होगा, क्यों? क्योंकि ये कैश आया और ये कैश गया, ठीक है। आए हुए कैश में से गया हुआ कैश माइनस कर दें, जो बचा है वही तो आपका कैश इन हैंड है भाई। सो इफ somebody asks फ्रॉम यू व्हाट विल बी कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ, दिस एमसीक्यू आई कैन आस्क, आई कैन गिव यू सर्टेन ट्रांजैक्शन एंड आई कैन आस्क यू व्हाट विल बी द कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ, यू नीड टू एड अप। वहां पे आप लेजर अकाउंट बनाना थोड़ा ना बैठोगे, क्योंकि वो तो पूछा ही नहीं उसने। आप कैश के आने को प्लस करोगे, कैश के जाने को माइनस करोगे, कैश इन हैंड एट द एंड आ जाएगा ना, एक फॉर्मूला पता चल गया ना आपको। चाहो तो आप लेजर अकाउंट बना लेना, बिकॉज यू हैव एनफ टाइम टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इज इट क्लियर। अब ध्यान से सुनना एक बात, जो इस अकाउंट के बारे में अप्लाई होती है, जैसे ये पहले तो ये मंथ के लास्ट में हुआ 1st January, उसके बाद अभी लेजर खत्म नहीं हुआ जब तक आप 31 January वाला बैलेंस 1 February को आगे नहीं लेके आते, उसे बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड पैरेलल टू दिस यू विल बी राइटिंग 87,000। मीन्स अगले महीने जब आप फरवरी में दोबारा लेजर, हर मैंने बोला हर मंथ का बनेगा,
फरवरी में जब आप दोबारा लेजर अकाउंट बनाओगे तो यू विल बी हैविंग कैश इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 87। अकाउंट्स का एक ये रूल है, जो आपका पिछले मंथ का एंड का बैलेंस है वही अगले मंथ का बिगिनिंग का बैलेंस है। सो व्हाटएवर इज बीइंग लेफ्ट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर दैट इज गोइंग टू बी द ओपनिंग बैलेंस इन द कमिंग मंथ, दिस इज अ रूल। ठीक है, अब सोच समझ के आंसर मेरे को देना, कैन आई हैव आउटफ्लो ऑफ कैश मोर देन द इनफ्लो ऑफ कैश? नो, इट मींस कि कैश अकाउंट का कभी भी बैलेंस इस साइड पे नहीं आता, क्योंकि जितना आपके पास कैश इन हैंड है मींस जितना कैश आया उसी में से तो आप खर्च करोगे। पंजाबी की एक कहावत है, चादर देख के पैर पसारने हैं, मींस व्हाटएवर इन योर हैंड दैट इज यू आर गोइंग टू स्पेंड। इफ यू हैव लेस पेमेंट हाउ कैन यू स्पेंड मोर? तो कैश का कभी भी रिवर्स बैलेंस नहीं होगा कि पेमेंट साइड बड़ी हो और रिसिप्ट साइड छोटी हो, हमेशा यही होगा रिसिप्ट साइड। बाकी अकाउंट्स के डिफरेंट हो सकते हैं बैलेंस, लेकिन कैश अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें रिसिप्ट साइड विल बी मींस डेबिट साइड विल ऑलवेज बी मोर देन द क्रेडिट साइड। अब आपका कंफ्यूजन, बैलेंस कैसे निकाला? इस साइड का टोटल किया सीडी, ये बीएफ बैलेंसिंग फिगर, दिस वी कैलकुलेटेड, ठीक है, और स्टार आपकी मर्जी है, मैं स्टार बना देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए ये बैलेंस हमने निकाला। ठीक है जी, बिश्नूर सिंह, यस, कमिंग टू योर स्क्रीन, यस, करिए अनम्यूट, व्हाट यू वांट टू आस्क? मैम, जिस साइड बैलेंस कम हो उस साइड बैलेंस क्रेडिट होना है? बिल्कुल हाँ, जिस साइड बैलेंस कम हो उस साइड ही लिखना है, दूसरी साइड तो ऑलरेडी हमें ग्रेटर टोटल दे रही है। So whatever is the greater total that we will be writing on both the side and the difference we will be calculating, shorter side ka difference calculate karenge, theek hai, jaise choti classes mein maths mein greater item mein se smallest item minus kiya karte the to difference aaya karta tha na, same we are doing here. So yahan pe greater side kaun si hai? Debit. Aur smallest side kaun si hai? Shorter side kaun si hai? Credit. We got the difference of both the totals and we find the balancing figure, right? Any other doubt? So this was my most common account I prepared, that is cash account. अब आप बताओ कौन सा account और बनाए? हाँ जी, दोबारा बोलो। 31 हर महीने के एंड में इसका बैलेंसिंग फिगर निकाली जाएगी, अगले महीने के बिगिनिंग में जो पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बने। So if I call closing balance as CD balance, that is carry forward करो। Carry forward का मतलब इसे आगे ले जाओ। BD का मतलब है brought forward, इसे आगे ले आए। ठीक है, whatever was cash in hand at the end of the earlier or previous month, that is going to be the opening balance in the coming month. Means जो पिछले महीने आपका cash in hand था वही अगर एक एक दिन का ही तो gap है। 31 जनवरी और 1 फरवरी में एक दिन का ही gap है ना, मतलब एक रात का ही gap है। तो अगले दिन वो आपका cash in hand beginning में हो जाए। ठीक है, सो व्हाट वाज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसे क्लोजिंग बैलेंस भी कहेंगे, ऑफ द प्रीवियस मंथ विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस इन द कमिंग मंथ, इन द करंट मंथ। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस को सी, हाँ वही वही कैश इन हैंड होगा अगले महीने में ओपनिंग बैलेंस, पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस विल ऑलवेज बिकम द ओपनिंग बैलेंस इन द नेक्स्ट मंथ। आप प्रैक्टिकली भी सोच के देखो, जो पिछले महीने के एंड में आपके हाथों में कैश था वही अगले महीने के बिगिनिंग में इन योर हैंड होगा, रातों रात थोड़ा कुछ खर्च हो जाएगा। इन द इवनिंग यू जस्ट शट डाउन योर बिजनेस एट 5 o'clock और 6 o'clock और अगले दिन मॉर्निंग में 87 का 87 रहेगा ना आपके पास। ठीक है, सो दिस अजम्पशन वी मेक, व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ दैट इज गोइंग टू बी द ओपनिंग बैलेंस इन द नेक्स्ट मंथ। एनी डाउट टू एनीवन? सो व्हिच अकाउंट यू आर टेलिंग टू प्रिपेयर? परचेसेस अकाउंट बनाते हैं। चलिए, परचेजेस से रिलेटेड सारी एंट्रीज डिस्कस करेंगे, क्या क्या हो सकता है परचेजेस से रिलेटेड। लेट्स प्रिपेयर परचेजेस अकाउंट, एनी टाइप ऑफ लेजर अकाउंट, एनी टाइम वी कैन मेक। ठीक है, चाहे उससे रिलेटेड एक ही जर्नल एंट्री क्यों ना हो, इवन देन वी कैन मेक इट, राइट? परचेजेस अकाउंट ऑन योर डिमांड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, लेट्स सी। 16 अकाउंट होंगे क्योंकि हर एंट्री में दो दो अकाउंट, हो सकता है किसी एक दो एंट्रीज में कॉमन कैश अकाउंट हो। ठीक है, तो 7 अकाउंट बनेंगे। सो हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स यू हैव बीन डेबिटिंग और क्रेडिटिंग, सेम टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ लेजर अकाउंट वी विल बी प्रिपेयर। कैश का अलग से बनेगा, कैपिटल का अलग से बनेगा,
रेंट का अलग से बनेगा, रेंट पेड का अलग से बनेगा, रेंट रिसीव्ड का अलग से बनेगा, क्योंकि एक इनकम है दूसरा एक्सपेंस है, सेल का अलग से बनेगा। बट नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर परचेसेस अकाउंट ऑन योर डिमांड। लेट्स प्रिपेयर परचेसेस अकाउंट। बच्चों अगर आपको याद हो कैश अकाउंट की कौन सी साइड पे मैंने परचेसेस लिखा था, बाय वाली साइड पे, तो परचेसेस अकाउंट की टू वाली साइड पे टू कैश लिखूंगी, रिवर्स, ठीक है ना। परचेस अभी करवाती हूँ पोस्टिंग, पहले लेट फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। आई ऑलवेज डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, आई ऑलवेज ड्रॉ अ सेंटर लाइन, तभी इसका नेचर भी बोलते हैं टी शेप है, टी शेप हो गया ना पहले, ठीक है, क्योंकि मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं दोनों साइड्स की डिवीजन करूंगी। व्हेन आई सी माय लेफ्ट हैंड साइड माय फर्स्ट कॉलम ऑलवेज आई प्रिपेयर डेट एंड आई ऑलवेज राइट एट द टॉप ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डीआर मींस डेबिट साइड, इसे हमेशा डेबिट साइड कहा करेंगे, ठीक है। और इस साइड के कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे आई विल बी कॉलिंग इट क्रेडिट साइड, राइट। सो आफ्टर डेट आई हैव ब्रॉड कॉलम दैट इज ऑफ पर्टिकुलर्स, फिर एक नैरो कॉलम जो आमतौर पर खाली ही रहता है That is of journal folio. चलिए जी इसका नाम लिखिए particulars. This is journal folio. This is amount. Same here. Date. Particulars. Journal folio. And this is amount. कॉलम्स याद हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, कोई हेर फेर नहीं है। जर्नल में जैसा फॉर्मेट बनाया करते थे उसे ही दो हिस्सों में बांट दिया है। जर्नल की एक ही साइड हुआ करती थी, सिंगल एक फॉर्मेट हुआ करता था, यहाँ पे डबल साइड कर दी, बस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कर दी। और वहां पे लेजर फॉलियो एक नैरो कॉलम हुआ करता था, यहाँ पे रिवर्स है, क्योंकि वहां पे जर्नल बना रहे थे तो लेजर फॉलियो का नैरो कॉलम था, यहाँ पे लेजर बना रहे हैं तो जर्नल फॉलियो का एक नैरो कॉलम है, ठीक है। तो गर्व हम लोगों ने परचेसेस की एंट्री करी थी, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जब कैश अकाउंट बनाया था तो बाय परचेसेस लिखा था, आप परचेसेस अकाउंट बनाएंगे तो परचेसेस एंट्री में डेबिट है तो टू कैश लिखेंगे ना, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे परचेसेस अकाउंट के साथ, हरिडली वी कांट, राइट। इतना याद रखना कैश अकाउंट में अगर बाय परचेसेस आया है तो परचेसेस अकाउंट में टू कैश आएगा, दूसरे का नाम लिखना इसका अपना नहीं। कल इसको ही करवाऊंगी, मान लो एक ही एंट्री है, वी विल डिस्कस, यही बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। घर